हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको राधा कृष्ण के अमर प्रेम कहानी की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो हम सब जानते हैं कि राधा कृष्ण एक ही हैं। जब हम देवी राधा की बात करते हैं तो उसमें श्री कृष्ण की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा कृष्ण को एक दूसरे के बिना अधूरा माना जाता है, तभी तो सभी भक्त कृष्ण को राधा कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। ये दोनों नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का संबंध पति पत्नी का नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण भगवान की 16108 पत्नियाँ थीं, पर कहीं भी कृष्ण भगवान और उनकी पत्नियों की साथ में तस्वीर या मूर्ति नहीं मिलती है। हर जगह श्री कृष्ण भगवान के साथ राधा ही नज़र आती हैं। इसकी वजह यह है कि 16108 पत्नियों पर राधा का प्रेम भारी था। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने खुद रुक्मणी को बताई थी। आइए सुनते हैं कथा। एक बार सूर्य ग्रहण के समय देवी राधा माता यशोदा और नंद बाबा के साथ कुरुक्षेत्र आई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह हो चुका था, जहाँ पहली बार राधा की भेंट रुक्मणी से हुई थी। रुक्मणी ने राधा से गर्म दूध पीने को कहा। राधा ने रुक्मणी की बातों को मानकर गर्म दूध पी लिया, जिससे उनके गले में छाले पड़ गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पैरों में भी छाले पड़ गए। रुक्मणी ने जब श्री कृष्ण के पैरों पर छालों को देखा तो घबराकर इसका कारण पूछने लगी। श्री कृष्ण ने बताया कि राधा के गर्म दूध पीने से उन्हें ऐसा हुआ है, क्योंकि राधा उनके हृदय में बसती हैं। राधा की पीड़ा भगवान श्री कृष्ण से देखी नहीं जाती और उसका असर उन पर होता है। इससे हमें उनके प्रेम की गहराई पता चलती है।